अक्षय कुमार रजनीकांत की आने वाली फिल्म रोबोट 2.0 का ट्रेलर 3 नवंबर को रिलीज किया जाने वाला है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है दर्शकों में। दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेलर में तीन ऐसी क्या खास चीजें होंगी जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने 2.0 के टीजर में देखा था कि रजनीकांत और अक्षय कुमार के बीच में एक महायुद्ध होने वाला है और अक्षय कुमार जहां पर क्रोमैन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे जो पंछियों के लिए लड़ेंगे। दोस्तों एक बात मानी जाए तो ट्रेलर में ये बताया जाएगा कि अक्षय कुमार फिल्म के विलन नहीं है, अक्षय कुमार पंछियों के लिए देवता है, उनके सुपर हीरो हैं। एक पोस्टर भी रिलीज किया गया था जहां पर लिखा गया था ये सुपर हीरो है ना कि सुपर विलन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय का किरदार पंछियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, ये बात हमें ट्रेलर में समझ में आ जाएगी। दूसरी खास बात एम एच जैक्सन का किरदार एक ह्यूमन का होगा या फिर रोबोट का, ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है क्योंकि कई पोस्टर में उन्हें एज ए रोबोट दिखाया गया है तो टीजर में उन्हें एज ए ह्यूमन भी दिखाया गया था। तो ये बात जाननी जरूरी हो गई है कि एम एच जैक्सन का किरदार किस तरीके से बिल्ड किया गया है, क्या वो फिल्म में एक विलन के तौर पर रजनीकांत का साथ देगी या फिर एक हीरो के तौर पर वो रोबोट बनेगी। दोस्तों देखना दिलचस्प होगा। तीसरी खास बात हम ये देखेंगे कि क्या चिट्ठी इस मूवी में भी क्या लास्ट में एक राक्षस का रूप ले लेगा जो कि विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि दोस्तों कई कारण से ये समझ में आता है कि 2.0 में जो मेन विलन है वो एक बार फिर से चिट्ठी ही होने वाला है। जिस तरीके से टीजर में और पोस्टर में दिखाया गया है कि यहाँ पर चिट्ठी के दो शेड हैं, एक तो ब्लू शेड एक रेड शेड, यानी कि दोस्तों चिट्ठी भी इस फिल्म का मुख्य विलन हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि ट्रेलर को किस प्रकार से बिल्ड किया गया है, यहाँ पर कितनी स्टोरी रिवील की जाती है या फिर ये टीजर की तरह ही होगा जहाँ पर कुछ समझ ना आएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है 2.0 के ट्रेलर में आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में राय दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि आने वाली खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।